कहता है कि मैजिक मोमेंट्स दोबारा से क्रिएट नहीं होते हैं। आज से 10 साल पहले जब धोनी ने एक छक्का मार के हमें वर्ल्ड कप जिताया था, 10 साल बाद सेम उसी शॉट को रिपीट किया है, ठीक 10 साल बाद सेम स्टैंस में सेम शॉट को रिपीट करके छक्का मार के फिर से मैच जिताया है, मजा आया है। क्रिक बाजी पर मैं उराव आगे मेरे साथ है शिखर वाशने। हाँ जी, तो मजा आ गया कल के मैच में। वर्ल्ड कप फाइनल के छक्के का मुकाबला तो है नहीं, पर देखा आपने उन दोनों शॉट्स को कंपेयर करो, एकदम सेम स्टैंस और बिल्कुल लास्ट ओवर की कितनी 3 बॉल्स रही, 3 बॉल बाकी थी। और पर मैं ये कहना चाहूंगा कि एक वो जो उम्मीद थी ना क्राउड, क्योंकि उधर से चल रहा था धोनी जैसे फिनिश करने पे आए तो क्राउड उधर से वी वांट सिक्सर एंड धोनी ने सुनी भी वो बात, वो चाहते तो सिंगल लेके राइडर को जिताने देते। सवाल ऐसे सवाल ये खड़ा हुआ है, क्या धोनी वापस आ गए हैं? यार एक छक्के से तो कोई नहीं कह सकता कि धोनी वापस आ रहे हैं, उसके लिए बहुत फॉर्म चाहिए। पर ऑफ कोर्स चेन्नई सुपर किंग्स वापस आ रही है, लास्ट ईयर वो पहली टीम थी जो एलिमिनेट हुई थी, पहली टीम है अब जो इस साल पहली टीम है जिनके नाम के आ रहे क्यू लग रहा है। तो चेन्नई सुपर किंग्स के सारे फैंस के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अच्छा ही लगता है यार जब अपने लेजेंड्स धोनी रहना और जडेजा कंट्री खेल रहे हैं। बड़ी चीज ये है कि जैसे सुनने में आ रहा है, इनफैक्ट धोनी ने भी साइंस दिए हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शायद नेक्स्ट ईयर दिस फ्रेंचाइज माइट नॉट सी धोनी एज द कैप्टन, मे बी एज अ कोच बट नॉट इनसाइड द फील्ड। तो अगर ये उनका आखिरी है तो मैं चाहूंगा कि दिल से चाहूंगा कि चेन्नई ही जीते इस बार, मतलब फेयरवेल गिफ्ट होगा हमारी तरफ से। भाई धोनी कुछ भी जीते कैसे भी जीते, मतलब अब तो हम लोगों के लिए वो प्रेजर है कि हम उन्हें ऑन द फील्ड देख पाते हैं, हम वर्ल्ड कप में भी देख पाएंगे, पर वो खेलते हुए तो नहीं दिख रही, हमें डल आउट आउट में कहीं दिख जाएंगे, पर उनकी प्रेजेंस ऑन द फील्ड वो बहुत मैटर करती है। तो खैर जी, मुकाबला हुआ सनराइजर्स वर्सेस सीएसके के बीच में, और एक टीम जैसा कल राहुल भाई ने बताया, एक टीम अर्श पे थी, एक टीम फर्स्ट पे थी, अब तो फर्स्ट से बाहर ही हो गई है, अब मतलब फर्स्ट टीम है सनराइजर्स जो इस बार मतलब बाहर चली गई है, आउट ऑफ द टूर्नामेंट ऑफिशियली हो गई है। अब याद है जब हमने क्रिक बाजी शुरू किया था, या फिर जब शुरू किया था फर्स्ट लेग, तब हमने बड़े स्टूडियो से जब करते थे तो तब हम जब प्रोस्पेक्ट्स देख रहे थे, टीम के सारे एनालिसिस कर रहे थे, स्वॉट एनालिसिस कर रहे थे, तब मैं इतना पॉजिटिव था, मैंने कहा था यार ये एक ऐसी टीम है जो 5 मैच हार के भी जीतेगी और फाइनल। मैं आपके एग्जैक्ट वर्डिंग्स बता देता हूँ, मेरे को याद है उसमें राहुल भाई ने बोला था कि सनराइजर्स एक ऐसी टीम है जो सटल तरीके से चुपचापी से नीचे से ऊपर आती है और उसके बाद कहीं ना कहीं वो हमें प्लेऑफ्स में दिखती है। डेविड वार्नर उनकी टीम से बहुत अच्छा खेलते हैं, तो साहब ना तो वो प्लेऑफ्स में है भाई ना वार्नर। मुझे पता है क्या लग रही है, टीम के अंदर जो मैनेजमेंट है ना उसमें कुछ डिस्प्यूट्स हैं। वार्नर के ट्वीट्स आपने देखे, देन ऑफ कोर्स एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ये भी हो गया कि एक उनका जो धुआंधार ओपनर था बेस्ट नहीं आ पाया। फिर टीम के अंदर जो है ना काफी ज्यादा स्ट्रगल, सीजन में वो कैप्टनशिप बदल रही है, कुछ चल रहा है वो हमें पता नहीं है कि क्या चल रहा है, बट कुछ तो चल रहा है, वो सामने दिखाई दे रहा है, वो सामने दिख भी रहा है। तभी मतलब 134 यार T20 चल रहा है, IPL चल रहा है, तुम 134 रन ही मार रहे हो, और उस मैच में जब आप अपने प्राइड के लिए खेल रहे हो आपके पास कुछ और तो बचा नहीं है। तो खैर सनराइजर्स ने बनाया 134 पे 7, उनकी टीम से सबसे ज्यादा रन मारे रिद्धिमान साहा ने। फिर उसके बाद कहानी आती है चेन्नई पे, चेन्नई प्रो स्टार्ट ऑफ कोर्स यार ऋतुराज रायकॉड और डुप्लेसी, उनके जो दो सेट्स बैट बैट्समैन है, और डुप्लेसी का हमको पता है कि बहुत एक्सपीरियंस है, बहुत खेला हुआ है, पर ऋतुराज अनकैप्ड प्लेयर जिसे उतना कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, वो जब आके राशिद खान जैसे बॉलर को छक्के में छक्के मारता है ना, वो यार भाई दिल जीत लेता है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि ड्वाइन ब्रावो जो थोड़े से आउट ऑफ फॉर्म लग रहे थे अब वापस फॉर्म में आ गए हैं, विकेट्स लेनी शुरू कर दी हैं। देखिए छक्के चौके वो मारे थे उन्होंने पिछले मैच में, बट ये अच्छा मुझे दिखा कि विकेट्स भी अब लेनी शुरू कर दी, सो गुड यार, गुड टू सी, सो गुड टू सी। एंड मैं सही ही चाहता हूँ कि हार्दिक पांड्या के साथ भी ऐसा हो जाए कि वो जरा बॉलिंग करने और वो विकेट्स दे दे। पर ये एक चीज जो मुझे थोड़ी सी ट्रबल कर रही है वो है भुवनेश्वर कुमार की फॉर्म, इसके लिए नहीं T20 वर्ल्ड कप के लिए, बिकॉज़ उनका नाम उस वर्ल्ड कप में लिस्टेड है। जी मैं आपको एक बात बताऊं, यहां चाहे मैं कितना बैंगलोर हो जाऊं, राहुल भाई कितने कहते हैं दिल्ली कैपिटल्स हो जाएं,
कितने हम धोनी को प्रेस करते हैं, पर इंडियन बिगर पिक्चर इंडियन क्रिकेट टीम है। असली जो मुद्दा है हमारा वो टी20 वर्ल्ड कप है। हम यही चाहते हैं कि जितने इंडियन प्लेयर्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करें, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो ऋतुराज गायकवाड़ है, चाहे वो वेंकटेश अय्यर है। राहुल भाई तो मतलब टी20 वर्ल्ड कप जो आ रहा है उसके लिए इंटरव्यू क्लब में है किसी का? मैं तो आप इंटरव्यू में बैठे हूँ, मैं तो दुबई जाने की सोच रहा हूँ। वहां से जाके करेंगे क्रिकबाजी लाइव करेंगे। इस वक्त आप मैदान में बैठे हैं, पीछे देखिए प्लेयर्स मैदान में आ चुके हैं, टॉस हो चुका है, लाइव करने में मजा ही स्वाद ही कुछ और है। आज के मैच की तरफ चलते हैं। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, उन दोनों टीमों के बीच में मैच है जिन्हें अपने दो पॉइंट्स बहुत ज्यादा जरूरी है, KKR वर्सेस पंजाब। तो पंजाब और KKR के बीच में टोटल हुए 28 मैच, जिसमें KKR जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग साइड दिख रही है क्योंकि उन्होंने 19 मैच जीते हैं और पंजाब ने 8 मैच जीते हैं। तो अगर हम पुराना रिकॉर्ड उठा के देखें और जो लास्ट मैच भी हुआ है KKR और पंजाब के बीच में अहमदाबाद में, उसमें भी KKR ही जीती। तो अगर पुराना KKR थोड़ा सा लग रहा है कि और इस समय फॉर्म में भी नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात सुनील नारायण वापस फॉर्म में आ गए हैं और ये मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। एक ऑलराउंडर जब फॉर्म में आ जाता है ना तो आपको दो ऑप्शंस देके जाता है, तो वो अच्छी चीज है। सुनील नारायण की आपने बात करी तो पंजाब और KKR का जब भी मैच हुआ है तब सुनील नारायण ने टोटल 30 विकेट लिए हैं पंजाब के, व्हिच इज अ वेरी बिग नंबर कि टीम के अगेंस्ट 30 विकेट रहे। और पंजाब की तरफ से कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत चमक रहे हैं, जैसे अर्शदीप सिंह है, हमेशा अर्श पे जाके विकेट्स लेके आता है और छकाता है बैट्समैन को। एंड ऑफ कोर्स KL राहुल जो कि होड़ में है ऑरेंज कैप में, तो अभी कुछ भी नहीं कह सकते। बस हाँ हल्की सी चीज ये होगी कि क्रिस गेल अभी बाहर हो गए हैं IPL से, उन्होंने IPL जो बबल था उधर से उन्होंने बाहर का रास्ता ले लिया। वो कह रहे हैं कि फटीक हो गई है बहुत ज्यादा, उन्हें वर्ल्ड कप की भी तैयारी करनी है, रहेंगे दुबई में बट बाय बबल से बाहर। पर एक चीज ये भी हो सकती है ना, मतलब देयर इज दिस स्लाइट पॉसिबिलिटी कि पंजाब वालों ने बोल दिया हो कि देखिए सर आपकी जगह बन नहीं रही है, कोई बहाना मारना था, तीन चार मैच बचे हैं तो अब आप देखो आपको छुट्टी मनानी है, आपको पार्टियां करनी है, करो अपनी। चलो जो भी रीजन है, चलो मे बी फॉर द राइट रीजन, अपने देश के लिए किया है या फ्रेंचाइज के लिए किया है, जो भी है आज आपको पता चल जाएगा कि प्लेइंग 11 क्या होगी, क्या होगी हमें भी अभी प्लेइंग 11 में थोड़ा से चेंजेस जो मुझे लग रहे हैं वो ये कि आंद्रे रसल तो KKR की टीम से बाहर ही रहेंगे बिकॉज़ ही इज इंजर्ड। लोकी फर्गसन जो पिछले मैच में थोड़ी सी जिन्हें चोट लग रही थी तो वो उनकी खबर आ रही है कि ही विल प्ले एंड ही इज गुड टू गो। मयंक अग्रवाल थोड़ी सी बैक स्टिफ के चक्कर में पिछले मैच में बाहर थे, उनकी जगह मनदीप सिंह आए थे। मनदीप सिंह कुछ उतने इंप्रेस कर नहीं पाए ना बैटिंग में ना फील्डिंग में, तो मनदीप सिंह की जगह फिर अब दोबारा से मयंक अग्रवाल आ सकते हैं क्योंकि वो KL राहुल के साथ स्टार्ट तो अच्छा दे ही रहे हैं। तो KKR पंजाब के साथ पता है पंगा क्या है, पंजाब का स्टार्ट बहुत सही है कि KL राहुल और मयंक अग्रवाल जो उनका मिडिल ऑर्डर है ना वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा। तो देखते हैं जी आगे क्या होता है, टॉस होने वाला है कुछ ही मोमेंट्स में, तो देखते हैं आप क्या होता है। बट डोंट गो अवे, आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आप देख रहे हैं तो। आपको यहाँ पे जो बेल आइकन है वो दबाना है, सब्सक्राइब का बटन दबाना है, नीचे कमेंट्स करने हैं, अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं और नीचे अब आपको इंस्टाग्राम हैंडल्स भी दिखाई दे रहे होंगे, बता दो ना एक बार जो ऑडियो है राहुल माकिनवान, इनका है Shikhar_VAR, तो फॉलो कर लीजिए। काफी खुशी होती है मुझे जब राहुल भाई को मेरा इंस्टाग्राम हैंडल याद होता है कि एक ब्लू टिक वाले बंदे को टैटरीज मेरा इंस्टाग्राम हैंडल याद है। पर हाँ जी मैं KKR के लिए एक बात, वो पंजाब के लिए एक बात कहना चाहूंगा कि अगर वो गिल और अय्यर की पार्टनरशिप तोड़ पाए जो बहुत अच्छी स्टार्ट दे रही है उन्हें तो बहुत ही सही होगा। बाकी ये पार्टनरशिप कोई तोड़ ना पाए रहा, बंदे का नाम है Shikhar Vaishnaye, भाई का नाम है राहुल माकिन, क्रिकेटबाजी यहीं चलती रहेगी, तब तक के लिए बाय बाय।